ये साल किसानों के लिए समस्याओं से भरा रहा, वहीं गोरखपुर किसान बर्बाद हो गए हैं। दरअसल समय से वर्षा न होने के कारण पहले सूखे के फिर अप्रत्याशित रूप से अक्टूबर में आई बाढ़ के चलते किसान बर्बाद हुए हैं। सूखे के चलते कुछ गुंजाइश बची थी, लेकिन बाढ़ के बड़े नुकसान की आशंका व्यक्त की जा रही है। बाढ़ का पानी उतरने के बाद राजस्व विभाग की टीमें एक बार फिर गांव में जाएंगी और नुकसान का आकलन करेंगी। अब किसानों की उम्मीद सरकार पर टिकी है। गेहूं की अच्छी फसल के बाद इस बार धान को लेकर भी किसान आश्वस्त थे, लेकिन कम बारिश से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। किसी तरह से उन्हें लगा था कि सिंचाई कर धान की फसल रोप दी जाए, लेकिन अंतिम दिनों में हुई बारिश ने फसल बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पहली बार दीपावली के नजदीक अप्रत्याशित रूप से बाढ़ आई है। जिले में 14,752 हेक्टेयर फसल बर्बाद हो चुकी है। सरयू नदी ने 1998 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बाढ़ से हुए नुकसान का अभी अनुमान ही लगाया जा रहा है। क्षति का वास्तविक आंकलन बाढ़ खत्म होने के बाद होगा। वहीं प्रशासन की ओर से कराए गए सर्वे में इस साल 1,49,350 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न फसलों की बुआई की गई थी। इसमें से सूखे के चलते 34,353 हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसल प्रभावित हुई। वहीं 959 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल 33 से लेकर 50% तक प्रभावित हो चुकी है। 9.3 हेक्टेयर की फसल आधे से अधिक खराब हो चुकी है, यानी करीब 968 हेक्टेयर क्षेत्रफल की फसल के लिए ही आपदा राहत के तहत मुआवजा मिलेगा। वहीं सूखे के कारण खरीफ की फसलें जैसे तिल, तोरई, धान, परवल, मूंगफली और अन्य मिश्रित फसलें प्रभावित हुई हैं। इसके अलावा सब्जियों की खेती पर भी प्रभाव पड़ा है। सर्वाधिक प्रभाव धान की फसल पर पड़ा है। 34,353 हेक्टेयर क्षेत्रफल में से 34,334 हेक्टेयर में धान की फसल प्रभावित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।